हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आशीष पाठशाला। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप इंग्लिश की क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। तो ये क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं ये एक टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आई एम योर फेलो एस्पिरेंट, मैं खुद सीजल 2018 की तैयारी कर रही हूँ। सो ये जो क्लासेस है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो उसी फैशन में और उसी पैटर्न में चलेंगी जैसे मैं अपनी तैयारी कर रही थी या अब करना शुरू करूंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो वीडियोस हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेंगी और वीडियो में हम कैसे टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, हम लोग हर एक वीडियो में ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी को सेपरेटली नहीं डील करेंगे, हम लोग इन्हें एक साथ लेकर चलेंगे। तो हर एक वीडियो का जो लास्ट सेगमेंट होगा वो वोकैबुलरी पर बेस्ड होगा। आप या तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उन वर्ड्स को अपने पास अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में या जो मैंने लास्ट टाइम बताया था फ्लैश कार्ड्स में, आप उन पर वो वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको अलग अलग नहीं डील करेंगे, हर एक लेक्चर में आपको वोकैबुलरी साथ के साथ मैं कराती चलूंगी, निमोनिक्स पर बेस या रूट्स पर बेस, जैसे भी होगा हम लोग वोकैबुलरी साथ में पढ़ेंगे वीडियोज के। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी अभी एग्जाम्स के लिए, फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, तो क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑल्टरनेट डेज पे होगी। आपको क्लासेस एक दिन छोड़ के मिलेंगी एज ऑफ नाउ, मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी मैं रेगुलर कर दूं। जैसे आशीष सर आपको मैथ्स की वीडियो रोज प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको इंग्लिश की भी रोज वीडियो मिले, बट एज ऑफ नाउ जो क्लासेस होंगी इंग्लिश की वो आपको ऑल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड होंगी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, हर एक वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको हर एक वीडियो में मिलेंगे। मतलब ऐसा होगा कि अगर मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो उसके साथ जो उस पर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे मैं वो भी साथ में डिस्कस करूंगी। ठीक है, ताकि आपको एक एसएससी की रेंज पता लगे कि उस टॉपिक पर एसएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है और किस एक्सटेंट तक जा सकती है उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने पर। ठीक है, तो हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ओके, देखिए हम लोग डिस्कशन शुरू करें, उससे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम लोग ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये है कोर पार्ट जिसमें आपके टॉपिक्स आएंगे टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एक्सेट्रा, और इन टॉपिक्स पर बेस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। आपसे एरर्स पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैरा जंबल्स। तो हम लोग क्लासेस में कैसे पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं टेंसेस पर बेस जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी रूल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, विद एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो। और इसके बाद जो इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चंस आए हुए हैं, मान लीजिए एरर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं, टेंसेस पर बेस वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक है वो हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, और उसके बाद जब एक बार सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फिर हम इनको इंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब मिक्स करके क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए ये बात हो गई कोर टॉपिक्स की। अब कुछ नॉन कोर टॉपिक्स भी हैं ग्रामर के, एंड आई बिलीव ये जो नॉन कोर टॉपिक्स हैं जैसे नरेशन एंड वॉइस, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आपको अगर रूल्स एक्यूरेटली नहीं भी पता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस हैं उन्हें देखकर इजिली एलिमिनेट कर लेते हैं और राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। तो हम नॉन कोर जो पोर्शन है उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं, ये हम आखिर में डील करेंगे। शुरुआत हम जो लेक्चर्स है या जो भी वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी आपको वो इन कोर पोर्शन में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी का जो मेन पार्ट है वो बेसिकली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सुपरफ्लुअस वर्ड्स, पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स को लेकर बनता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको भी बताया स्टार्टिंग में, ये जो पोर्शन है ये मैं वीडियोस के साथ में आपको प्रोवाइड करूंगी, मतलब जो हर एक वीडियो का लास्ट का जो सेगमेंट होगा वो वोकैबुलरी पर ही बेस्ड होगा। वोकैबुलरी निमोनिक्स के की हेल्प से या रूट्स के जो हेल्प से, जो भी वोकैबुलरी मैं आपको बता सकती हूँ, 10 या 20 वर्ड्स आपको पर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो एक दूसरा सेगमेंट है वोकैबुलरी का वो है इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन चार्ट। तो ये जो पोर्शन है इसको हम अलग से डील करेंगे, ये मैं वीडियो के साथ आपको नहीं प्रोवाइड करूंगी, इन पर मैं आपको एक्सक्लूसिवली कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी। ईडियम्स को हम थीम वाइज पढ़ेंगे, ये आप ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। ठीक है, और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो उस पर भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी।
ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 3rd of मार्च से वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो हमारा पहला टॉपिक होगा जिससे हम शुरू करेंगे वो होगा पैराजंबल्स। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, पर्सनलाइज सिलेबस में पैराजंबल्स, कॉम्प्रीहेंशन या मिसस्पेल्ड वर्ड्स मेरे लिए सिलेबस का पार्ट नहीं थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये इजी पोर्शन है, यही बहुत ही मुझे इजी लगता था, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये था कि इनमें एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी। ठीक है, तो पोर्शन बेसिकली ये सबसे डिफिकल्ट है, पैराजंबल्स कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट ये उतनी ज्यादा स्कोरिंग भी हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एंड प्लीज कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी का GS स्ट्रांग होता है, तो मुझे इंग्लिश की ठीक ठाक नॉलेज है, एंड इसी नॉलेज पर बेस मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगी। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्रिपेयर करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।